जय माता दी दोस्तों। तो क्या अभी श्री माता वैष्णो देवी यात्रा के लिए जा रहे हैं और यात्रा पर्ची ऑनलाइन घर बैठे बुकिंग कर लिए हैं, पर यात्रा पर्ची आपसे डाउनलोड नहीं हो पा रहा है, तो आप यात्रा पर्ची कैसे डाउनलोड कर सकते हैं चलिए इस वीडियो में जानते हैं। ऐसे मैंने यात्रा पर्ची आप ऑनलाइन कैसे बुक कर सकते हैं उसके लिए ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो चलिए वीडियो देखते हैं। तो पहले आपको चले जाना है अपने फ़ोन के प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर पर जाने के बाद आपको सर्च करना है माता वैष्णो देवी। ये वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का ऑफिशियल ऐप है। जैसे इसे आप डाउनलोड कर लोगे तो इसे खोलने के बाद फर्स्ट इंटरफेस कुछ इस प्रकार का आपको दिखेगा, जैसे कि आप देख रहे हो। नीचे आपको यहाँ पर रजिस्टर का ऑप्शन देगा, तो इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपके सामने दिखेगा, तो इसे आप फिल कर लोगे। यहाँ फ़ोन नंबर पर आपको वही फ़ोन नंबर डालना है जो आप ऑनलाइन यात्रा पर्ची रजिस्टर करने समय यानी बुक करने समय डाले हो, तो यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर वही सेम टू सेम यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद फिर आपको नीचे रजिस्टर पर क्लिक करना है। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर OTP का ऑप्शन जाएगा, तो आपके फ़ोन नंबर पर एक OTP जाएगा और आपको OTP फिल करना है। जैसे कि यहाँ पर OTP का ऑप्शन आ गया है तो आपके नंबर पर एक OTP जाएगा, उस OTP को यहाँ पर फिल करना है। तो चलिए OTP को फिल करते हैं। OTP फिल करने के बाद यहाँ पर आपको वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। जैसे कि आप देख रहे हैं वेरीफाई होने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिल जा रहा है। ऊपर में आप देख रहे होंगे स्किप का ऑप्शन दे रहा है, तो इस पर स्किप करते जाना है। स्किप करने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपके सामने देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर देखना है यात्रा पर्ची। यात्रा पर्ची पे आपको क्लिक कर देना है। यात्रा पर्ची पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, तो आपको यहाँ पर आपको फ़ोन नंबर आपको फिल करना है, जिस भी फ़ोन नंबर से आपने इस ऐप को लॉगिन किया है। चलिए मैं आपको फ़ोन नंबर डालकर दिखाता हूँ। फ़ोन नंबर मैंने यहाँ पर फिल कर चुका है और आपको बाद यहाँ पर जनरेट OTP पर क्लिक कर देना है। OTP क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको OTP डालने का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो जैसा कि हमारा OTP यहाँ पर आ चुका है, तो चलिए OTP को फिल करते हैं। मैंने यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक कर दिया है। जैसे ही आप यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक कर दोगे तो आपको ऊपर में एक इंटरफेस देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको आइकन देखने को मिल जाएगा। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा माय प्रोफाइल, और उसके जस्ट नीचे आपको मिल जाएगा यहाँ पर ट्रांजेक्शन हिस्ट्री, तो आपको यहाँ पर ट्रांजेक्शन हिस्ट्री पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखो आपको ऑप्शन मिलेगा सिलेक्ट योर सर्विस, तो इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा जिस यहाँ पर आप ऑनलाइन जो भी आप कैटेगरी यहाँ पर बुक करोगे, मतलब आप अगर वहाँ पर डोमेट्री बुक करते हो या यात्रा पर्ची आप डाउनलोड करना चाहते हो, रोपवे का टिकट डाउनलोड करना चाहते हो, या जो भी आप ऑनलाइन सेवा जो कर चुके हो और उसका आप यहाँ पर देखना चाहते हो, तो मैंने क्या कहा था आपको यात्रा पर्ची। तो चलिए यात्रा पर्ची का यहाँ पर मैं आपको ऑप्शन देखता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हो कि नीचे में आपको यात्रा पर्ची का ऑप्शन देखने को मिल जा रहा है। अगर आप रोपवे का देखना चाहते हो तो ऊपर रोपवे का भी मिलेगा, तो जिस भी चीज़ को आप देखना चाहते हो यहाँ पर उसको सिलेक्ट करना है। तो मैंने यात्रा पर्ची का बोला था, तो मैंने यात्रा पर्ची पर यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे भी यहाँ पर क्लिक करोगे उसके बाद जैसे ही आप क्लिक करोगे और आप यात्रा पर्ची बुक किए रहोगे तो यहाँ पर आपको नीचे रिजल्ट पे शो कर देगा। यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हो नो रिजल्ट, तो मैंने यहाँ पर कोई यात्रा पर्ची बुक अभी नहीं किया है इसलिए यहाँ पर कुछ नहीं बता रहा है। आप अगर बुक किए रहोगे उसी नंबर से तो आपको यहाँ पर यात्रा पर्ची शो कर देगा, आप उसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या आप उसे प्रिंट का ऑप्शन करेगा तो आप PDF डाउनलोड भी कर सकते हो। तो इस प्रकार आप अपना यात्रा पर्ची या रोपवे का टिकट आप डाउनलोड कर सकते हो अगर आप डाउनलोड नहीं कर पा रहे हो तो इस तरीके से। तो आई होप आज की वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय माता दी।